नमस्कार दोस्तों आपके पसंदीदा YouTube चैनल अध्ययन में आपका स्वागत है किताब के लेखक ने अंग्रेजी में लिखा है हर भाषा की अपनी मिठास होती है इसलिए अंग्रेजी से हिंदी में ये रूपांतरण आपको धराप्रवाह हिंदी भाषा नहीं देगा कुछ गलतियां हो सकती हैं गलती के लिए क्षमा करें एक बात और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं चौथी शिक्षा निगमों का कराधान और शक्तियाँ मुझे हमारे स्कूल की कहानी रॉबिनहुड एंड हिज मेरी मेन याद है सुना गया मेरे स्कूल शिक्षक के अनुसार ये केविन कॉस्टनर रोमांटिक हीरो की एक अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता है और गरीबों को दे देता है मेरे अमीर पिता रॉबिनहुड को हीरो के रूप में नहीं देखते थे वह रॉबिनहुड को ठग मानता था रॉबिनहुड भले ही लंबे समय तक चला गया हो लेकिन उसके अनुयायी जीवित हैं मैं अब भी अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं अमीर इसके लिए भुगतान क्यों नहीं करते या अमीरों को करों के माध्यम से अधिक भुगतान करना चाहिए और इसे गरीबों के साथ साझा करना चाहिए रॉबिनहुड की यह अवधारणा या अमीरों से लेकर गरीबों को देने की अवधारणा गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए दुख का कारण है इसी रॉबिनहुड विचारधारा के कारण मध्यम वर्ग को इतना अधिक कर देना पड़ता है दरअसल अमीरों को टैक्स नहीं देना पड़ता यह मध्यम वर्ग विशेषकर शिक्षित उच्च आय वाला मध्यम वर्ग गरीबों को पैसा देता है ये समझने के लिए कि पूरी बात कैसे सामने आई हमें इसे ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होगा इसलिए टैक्स हिस्ट्री जानना जरूरी है हालांकि मेरे उच्च शिक्षित पिता शिक्षा के इतिहासकार थे दूसरी ओर मेरे अमीर पिता ने खुद को कर इतिहास का विशेषज्ञ बना लिया रिच डैड ने माइक और मुझे समझाया कि शुरुआत में इंग्लैंड और अमेरिका में कोई टैक्स नहीं था कभी कभी युद्ध की लागत चुकाने के लिए अस्थायी कर लगाए जाते थे राजा या राष्ट्रपति सभी को इसमें शामिल होने के लिए कहेंगे नेपोलियन से लड़ने के लिए ब्रिटेन पर सत्रह सौ निन्यानवे से अठारह सौ सोलह तक कर लगाया गया और अठारह सौ इकसठ से अठारह सौ पैंसठ तक गृह युद्ध के लिए अमेरिका पर कर लगाया गया था 1874 में इंग्लैंड के नागरिकों पर स्थायी रूप से आयकर लगा दिया गया 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सोलहवें संशोधन के बाद आयकर स्थायी हो गया अमेरिकी एक समय करों के खिलाफ थे चाय के ऊपर प्रसिद्ध बोस्टन हाबत्ती पार्टी का, का कारण अत्यधिक कराधान है ये एक ऐसी घटना है बाद में क्रांतिकारी युद्ध की ज्वाला भड़क उठी इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका नियमित रूप से दोनों न्याय क्षेत्रों में आयकर स्वीकार करता है इसे बनने में लगभग पचास वर्ष लग गए इन ऐतिहासिक तिथियों से जो बात स्पष्ट नहीं है वह यह है कि प्रारंभ में दोनों स्थानों पर यह कर केवल अमीरों पर लगाया जाता था हमारे अमीर पिता ने माइक और मुझे ये स्थिति समझाने की कोशिश की उन्होंने समझा कि कराधान के विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए गरीबों और मध्यम वर्ग को बताया गया कि कर केवल अमीरों को दंडित करने के लिए बनाए गए थे ताकि अधिकांश लोग उन्हें स्वीकार कर सकें इस तरह लोगों ने कानून के पक्ष में वोट किया और इस प्रकार यह संवैधानिक रूप से वैध हो गया हालांकि इसका इरादा अमीरों को दंडित करना था लेकिन वास्तव में इसने उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने इसके लिए मतदान किया गरीबों और मध्यम वर्ग को अमीर पिता ने कहा पैसे का स्वाद चकते ही सरकार की भूख बढ़ जाती है तुम्हारे पिता और मैं बिल्कुल विपरीत हैं वह एक शक्तिशाली सरकारी नौकरशाह हैं और मैं एक पूंजीपति हूं हम दोनों को वेतन मिलता है लेकिन हमारी सफलता का पैमाना बिल्कुल विपरीत है उसे पैसे खर्च करने और लोगों को रोजगार देने के लिए भुगतान किया जाता है वह जितना अधिक खर्च करेगा वह उतने ही अधिक लोगों को रोजगार दे सकेगा और उसकी कंपनी उतनी ही बड़ी होगी एक पदाधिकारी के रूप में जिसका संगठन जितना बड़ा होता है उसे उतना ही अधिक सम्मान मिलता है दूसरी ओर मैं अपनी कंपनी में जितने कम लोगों को नियुक्त करूंगा मैं उतना ही कम पैसा खर्च करूंगा और मेरी कंपनी में उतने ही अधिक निवेशक मेरा सम्मान करेंगे इसलिए मुझे सरकारी लोग पसंद नहीं हैं उनके उद्देश्य अधिकांश व्यापारियों से बिल्कुल अलग हैं सरकार जितनी बड़ी होगी उसे काम करने के लिए उतने ही अधिक कर डॉलर की आवश्यकता होगी हमारे विद्वान पिता ईमानदारी से मानते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए उन्हें जॉन एफ कैनेडी पसंद थे खासकर उनका शांति करो खुद करो का विचार उन्हें यह विचार इतना पसंद आया कि वह और मेरी माँ मलेशिया थाईलैंड और फिलीपींस में पीस कार स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते थे वह हमेशा अतिरिक्त अनुदान मान सकता है और पिसा कर मैं अधिक लोगों को रोजगार दे सकता है यही उसका काम था दस साल की उम्र से मैंने अपने अमीर पिता से सुना था कि सरकारी कर्मचारी चोरों का झुंड होते हैं और अपने गरीब पिता से मैंने सुना था कि अमीर लालची ठग होते हैं और उन्हें अधिक कर देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए दोनों पक्षों के पास वैध कारण थे शहर के सबसे बड़े पूंजीपति के लिए काम करने जाना और एक ऐसे पिता के घर आना जो सरकार का एक शानदार प्रतिनिधि है मेरे लिए देश को समझना मुश्किल था ये जानना कठिन हो गया कि किस पर भरोसा किया जाए फिर भी कर इतिहास के अध्ययन से एक दिलचस्प स्थिति का पता चलता है जैसा कि मैंने कहा कर पारित करना संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिनहुड के आर्थिक निर्णयों में विश्वास करती थी जिसका अर्थ है अमीरों से लो और बाकियों को दे दो लेकिन समस्या ये थी कि सरकार की पैसे की लालच इतनी अधिक थी कि जल्द ही मध्यम वर्ग पर भी कर लगाना जरूरी हो गया और वहां से यह नीचे की ओर और, और नीचे की ओर फैलने लगा इसी बीच रिच को एक मौका नजर आया उन्होंने समान नियमों से खेल नहीं खेला जैसा कि मैंने कहा अमीरों को शिपिंग के युग से ही लोकप्रिय निगमों के बारे में पहले से ही पता था उन्होंने प्रत्येक यात्रा पर अपनी संपत्ति के जोखिम को सीमित करने के लिए निगमों की मदद ली अमीरों ने अपना पैसा एक निगम में लगाया जो यात्राओं का वित्तपोषण करता था इसके बाद इस निगम ने नई दुनिया की दौलत की तलाश में जाने के लिए नाविकों को काम पर रखा यदि जहाज़ खो जाता तो नाविक तो मर जाते लेकिन अमीरों को नुकसान सीमित होता केवल वह धन जो उन्होंने उस विशेष यात्रा के लिए आवंटित किया था खो गया होगा अगला चित्र दिखाता है कि कॉर्पोरेट संरचना या संगठन की स्थिति आपके व्यक्तिगत आय विवरण और बैलेंस शीट से कैसे भिन्न है अमीर लोग निगमों की कानूनी संरचना और शक्तियों से अवगत हैं परिणामस्वरूप उन्हें गरीबों और मध्यम वर्ग की तुलना में अधिक लाभ मिलता है मेरे समाजवादी पिता और पूंजीवादी पिता के शिक्षक होने के कारण मैंने यह बात जल्दी ही सीख ली इसलिए पूंजीपतियों का सोचने का तरीका मुझे आर्थिक रूप से अधिक उचित लगता है मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी अपनी वित्तीय शिक्षा की कमी के लिए खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अमीरों से लेते हैं तर्क अमीर हमेशा उन्हें खोने का एक रास्ता ढूंढ सकते हैं इस तरह अंततः मध्यम वर्ग पर कर लगाया गया अमीर बुद्धिजीवियों को हराने में सक्षम थे क्योंकि वे पैसे की ताकत को समझते थे और यह विषय कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता अमीरों ने बुद्धिजीवियों को कैसे खो दिया बैकफोर्ड बैकफोर्ड अमीरों से लेना कर कानून में पारित होने के बाद सरकारी खजाने में पैसा आना जारी रहा पहले तो भीड़ खुश थी सरकारी अधिकारियों और अमीरों के हाथों में पैसा आने लगा सरकारी कर्मचारियों को नौकरी और पेंशन के रूप में पैसा मिला अमीरों की फ़ैक्ट्रियों को सरकारी ठेके मिले तो पैसा उन तक पहुंच गया सरकार बहुत सारे धन की स्वामी बन गई लेकिन इस धन के प्रबंधन में समस्याएं आने लगीं वास्तव में पैसे का कोई रिसकुलेशन नहीं था दूसरे शब्दों में यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी नीति ये तय करती है कि आप अतिरिक्त पैसा नहीं रखना चाहते आप इसे पूरा खर्च करना चाहते हैं क्योंकि अगर आप अपने आवंटित पैसे को खर्च नहीं कर पाते हैं तो अगले बजट में ये पैसा खोने का खतरा रहता है तुम बिल्कुल भी योग्य नहीं लगते लेकिन अगर व्यापारी अतिरिक्त पैसे बचा सकते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और योग्य माना जाता है जैसे जैसे लगातार बढ़ते सरकारी खर्च का ये चक्र जारी है वैसे वैसे पैसे की मांग भी बढ़ रही है और कम आय वाले लोगों को शामिल करने के लिए अमीरों पर कर फॉर्मूला संशोधित किया गया है धीरे धीरे इस प्रथा को वोट देने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हो गए वास्तविक पूंजीपति कमियां ढूंढने के लिए अपने वित्तीय कौशल का उपयोग करते हैं वे निगम की सुरक्षा के कार्य पर लौट आते हैं निगम अमीरों की रक्षा करते हैं लेकिन यहां तक कि जिन लोगों ने कभी निगम नहीं बनाया है वे भी नहीं जानते कि निगम एक वकील के कार्यालय में रखी गई कानूनी जानकारी की एक फाइल या फोल्डर मात्र है जो राज्य सरकार की एजेंसी के साथ पंजीकृत नहीं है निगम के नाम पर यह कोई बड़ा मकान नहीं है यह न तो कोई फैक्ट्री है और न ही कोई भीड़ एक निगम अमीरों की संपत्ति का कानूनी निष्प्राण भंडार मात्र है निश्चित आय अधिनियम के लागू होने के बाद निगमों का उपयोग एक बार फिर लोकप्रिय हो गया क्योंकि व्यक्ति निगमों की तुलना में अधिक कर चुकाते हैं इसके अलावा जैसा कि पहले बताया गया है करों का भुगतान करने से पहले निगम की परिधि से कुछ खर्च डॉलर में किए जा सकते हैं अमीर और गरीब के बीच ये संघर्ष सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है ये अमीरों से लोग बनाम अमीरों की लड़ाई है जहां जहां कानून बने हैं वहां वहां ये युद्ध हुआ है ये युद्ध सदैव जारी रहेगा समस्या यह है कि जो लोग ये लड़ाई हार रहे हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं है जो लोग हर सुबह उठते हैं और लगन से काम पर जाते हैं और टैक्स भरते हैं काश उन्हें समझ आता कि अमीर कैसे ये खेल खेल रहे हैं वे भी इसे खेल सकते थे तब उन्हें अपनी वित्तीय आज़ादी मिलेगी इसलिए जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल जाने की सलाह देते हैं ताकि उन्हें गारंटीशुदा सुरक्षित नौकरी मिल सके तो मैं घबरा जाता हूँ एक कर्मचारी जिसने सुरक्षित रोजगार की गारंटी दी है लेकिन सामान्य वित्तीय ज्ञान का अभाव है उसे छूट नहीं है आज औसत अमेरिकी सरकार के लिए काम करते हुए पांच से छह महीने बिताता है ताकि वे करों का भुगतान कर सकें मेरी राय में यह एक लंबी अवधि है आप जितना अधिक काम करेंगे सरकार को उतना अधिक टैक्स देंगे इसलिए मेरा मानना है कि जिन लोगों ने अमीरों से ले लो के विचार का समर्थन किया उन्हें उल्टा नुकसान हुआ है जब भी लोगों ने अमीरों को दंडित करने का प्रयास किया तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया बल्कि प्रतिक्रिया व्यक्त की उनके पास स्थिति को बदलने के लिए पैसा शक्ति और इच्छा शक्ति है वे चुपचाप बैठने और जानबूझकर अधिक कर देने को तैयार नहीं हैं वे अपने कर का बोझ कम करने के उपाय खोजते हैं वे चतुर वकीलों और लेखाकारों को नियुक्त करते हैं और राजनीतिक नेताओं को कानून बदलने या कानूनी रूप से करों से बचने के तरीके खोजने के लिए मनाते हैं उनके पास इस परिवर्तन को प्रभावित करने की शक्ति है अमेरिकी टैक्स कोड के तहत टैक्स बचाने के अन्य तरीके भी हैं ये साधन सभी के लिए उपलब्ध हैं लेकिन केवल अमीर लोग ही इन साधनों की तलाश में रहते हैं जो अपने काम पर ध्यान देते हैं उदाहरण के लिए एक हजार इकतीस शब्दांतरिक राजस्व संहिता की धारा एक हजार इकतीस का संक्षिप्त रूप है यदि कोई अपेक्षाकृत छोटी अचल संपत्ति के बदले महंगी अचल संपत्ति खरीदकर लाभ कमाना चाहता है तो सरकार विक्रेता को देर से कर का भुगतान करने की अनुमति देती है रियल एस्टेट एक निवेश है जो कर बचत के कई अवसर प्रदान करता है आप जितनी अधिक महंगी संपत्तियां खरीदते हैं उतना ही अधिक आप लाभ पर कोई कर नहीं देते हैं जब तक कि आप इसे नकदी में नहीं बदल देते जो लोग कानूनी कर बचत का लाभ नहीं उठाते हैं वे वास्तव में अपनी संपत्ति बढ़ाने के सुनहरे अवसरों से वंचित हो रहे हैं ये गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आय का स्रोत नहीं है वे बैठते हैं और सरकार को अपने हाथ चुभाकर कर रक्तदान लेने की अनुमति देते हैं मुझे आज ऐसे लोगों को देखकर बहुत आश्चर्य होता है जो सरकार से डरते हैं और बहुत अधिक कर देते हैं या कर छूट का बहुत कम लाभ उठाते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सरकारी कर एजेंट कितने डराने और धमकाने वाले हो सकते हैं मेरे ऐसे कई मित्र हैं जिन्हें अपना व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर किया गया या जिनके व्यवसाय बंद कर दिए गए बाद में पता चला कि यह सरकार की गलती थी मैं सब कुछ समझता हूँ लेकिन उस घबराहट की कीमत पर जनवरी से मध्य मई तक कड़ी मेहनत करना थोड़ा महंगा हो जाता है मेरे गरीब पिता ने कभी इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी मेरे अमीर पिता को भी नहीं लेकिन उन्होंने खेल को और अधिक चतुराई से खेला उसने निगमों के माध्यम से अमीरों का सबसे बड़ा राज खोला आपको शायद वह पहला सबक याद होगा जो मैंने अपने अमीर पिता से सीखा था मेरे जैसे नौ साल के लड़के को उनसे बात करने का मौका पाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा मैं अक्सर उनके इंतजार में ऑफिस में बैठा रहता था वह जानबूझ मुझसे बचता था वह चाहता था कि मैं उसकी शक्ति का एहसास करूं और एक दिन इस शक्ति को अपनी इच्छित वस्तु बनाऊं जब तक मैंने उनसे सीखा और सीखा है उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया है कि ज्ञान ही शक्ति है और धन से जुड़ी महान शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे बढ़ाने के लिए उचित ज्ञान की आवश्यकता होती है नहीं तो दुनिया तुम्हें धकेलती रहेगी रिच डैड मुझे और माइक को हमेशा याद दिलाते थे कि सबसे बड़ा बदमाश आपका बॉस या पर्यवेक्षक नहीं है टैक्स वाले हमेशा अधिक लेंगे पहला सबक यह था कि सत्ता का मतलब पैसे को अपने लिए काम करने के बजाय अपने लिए काम करने देना है यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने बॉस को शक्ति देते हैं यदि आप पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं तो आप सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं ये पाठ पढ़ाने के बाद कि पैसे की ताकत हमारे लिए काम करती है वह हमें आर्थिक रूप से समझदार बनाना चाहते थे ताकि जालिम हमें नुकसान न पहुंचा सकें आपको कानून और कानूनी प्रणाली कैसे काम करती है ये जानने की ज़रूरत है यदि आप विषय के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको आसानी से धमकाया जाएगा और यदि आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास लड़ने का मौका है इसलिए वह बुद्धिमान वकीलों और अकाउंटेंटों को भारी वेतन दिया करता था उन्हें भुगतान करना सरकार को भुगतान करने की तुलना में कम महंगा है सबसे अच्छी बात जो उन्होंने मुझे सिखाई वह थी होशियार बनो फिर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वे शब्द जिनका उपयोग मैंने अपने जीवन में अधिकांश समय किया है वह कानून जानता था वह कानून का पालन करने वाला नागरिक था वह जानता था कि कानून की अनदेखी महंगी पड़ेगी यदि आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप लड़ने से नहीं डरेंगे यदि आपको रॉबिन हुड और उसके मीरा मेन से लड़ना है तो डरो मत उद्धरण मेरे उच्च शिक्षित पिता हमेशा मुझे एक मजबूत संगठन में अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित करते थे उन्होंने कॉर्पोरेट सीढ़ी पर आगे बढ़ने की नैतिक श्रेष्ठता के बारे में बात की उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वेतन के लिए पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट मालिक पर निर्भर रहने से मैं जल्द ही दूध देने के लिए तैयार एक मासूम गाय में बदल जाऊंगा जब मैंने अपने अमीर पिता को अपने पिता की सलाह के बारे में बताया तो वह थोड़ा हंसे सीढ़ी अपने पास मत रखो उन्होंने बस इतना ही कहा छोटी उम्र में मुझे ये समझ नहीं आया कि एक निगम के मालिक होने से अमीर पिता का क्या मतलब है यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और भयानक लग रहा था हालांकि मैं इस विचार से उत्साहित था अपनी युवावस्था में मैं ऐसी संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था जहां मैं कंपनी का मालिक हो और वयस्क मेरे लिए काम करें बात यह है कि अगर मेरे पिता अमीर नहीं होते तो शायद मैं अपने शिक्षित पिता की सलाह मान लेता मेरे अमीर पिता की ओर से समय समय पर दी गई यादों ने मेरे अपने निगम के मालिक होने के विचार को जीवित रखा और मुझे एक अलग दिशा में ले जाया पंद्रह माइनस सोलह साल की उम्र में मुझे एहसास हुआ कि मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा जो मेरे शिक्षित पिता ने मुझे सिखाया है मुझे नहीं पता था कि यह कैसे करना है लेकिन मेरे अपने फ़ैसले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी 20 साल की उम्र के मध्य तक पहुंचने के बाद ही मुझे अपने अमीर पिता की सलाह का सही मतलब समझ में आने लगा मैंने अभी अभी मरीन कॉप्स छोड़ी थी और जेरोक्स के लिए काम करना शुरू किया था मैं बहुत पैसा कमा रहा था लेकिन जब भी मैं अपना वेतन चेक देखता तो निराश हो जाता कटौती की गई राशि इतनी अधिक है और जितना अधिक मैं काम करता हूं उतना ही अधिक पैसा बचता है जैसे जैसे मैं अधिक सफल होता गया मेरे बॉस ने मुझे पदोन्नति और वेतन वृद्धि की पेशकश की मैं ये शब्द सुनकर बहुत खुश हुआ लेकिन मैंने अपने अमीर पिता को मुझसे फुसफुसाते हुए सुना तुम किसके लिए काम कर रहे हो आप किसे अमीर बना रहे हैं उन्नीस सौ चौहत्तर में जेरोक्स के कर्मचारी रहते हुए मैंने अपना पहला निगम बनाया और अपना काम खुद देखना शुरू किया मेरी संपत्ति सूची में पहले से ही कुछ संपत्तियां थीं लेकिन मैंने तय किया कि अब मैं इसके विकास पर ध्यान केंद्रित करूंगा उन पैसे रहित तनख्वाह ने मेरे अमीर पिता की सभी वर्षों की सलाह को सार्थक बना दिया मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यदि मैंने अपने विद्वान पिता की सलाह का पालन किया तो मेरा भविष्य क्या होगा कई मालिकों को लगता है कि कर्मचारियों को अपने काम से काम रखने की सलाह देना उनके अपने व्यवसाय के लिए हानिकारक है ये निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए सच हो सकता है लेकिन मेरे मामले में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी संपत्ति बनाने से मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया अब मेरे पास एक सलाह है मैं जल्दी काम पर जाता हूं और लगन से काम करता हूं जितना संभव हो उतना पैसा बचा रहा हूं ताकि मैं रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। जब हवा समृद्धि के लिए तैयार होती है तो कुंजी पुस्तक में भाग्य बताने का अवसर होता है जितना अधिक मुझे खरीदने और बेचने में वृद्धि के बारे में पता चला उतनी ही अधिक जेरोक्स मशीनें मैं बेच रहा था मैं अधिक कमा रहा था और निश्चित रूप से मेरे वेतन से अधिक कटौती की जा रही थी प्रेरणादायक था एक कर्मचारी होने के जाल से जल्दी बाहर निकलने की चाहत में मैंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा उन्नीस तक मैं लगातार बिक्री में शीर्ष पांच सेल्स पसंद में से एक था मैं अक्सर शीर्ष पर यानी नंबर एक पर रहा हूं मैं बेहद उत्सुकता से चूहे की दौड़ से बाहर निकलना चाहता था तीन साल से भी कम समय में मैं अपने छोटे निगम एक रियल एस्टेट होल्डिंग कंपनी से अधिक पैसा कमा रहा था जितना कि मैं अपने जेरोक से कमा रहा था और जो पैसा मैंने अपनी संपत्ति सूची को लंबा करने के लिए अपने निगम में लगाया था वह अब मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया केवल अपनी मेहनत और मेहनत से जेरोक्स मशीन न बेचें मेरे अमीर पिताजी की सलाह स्पष्ट होती जा रही थी जल्द ही मेरी संपत्ति इतना नकदी प्रवाह पैदा करने लगी कि कंपनी ने मेरे लिए पहली पोर्शे खरीद ली जेरोक्स में मेरे बिक्री सहयोगियों ने सोचा कि मैं अपना कमीशन खर्च कर रहा हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा था मैं अपनी कमीशन संपत्ति में निवेश कर रहा था मैं अधिक पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था मेरी संपत्ति सूची का प्रत्येक डॉलर एक महान कार्य करता है वे अधिक कर्मचारी प्राप्त करने और कर से पहले बॉस को खरीदने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं मैंने जेरोक्स के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी मेरी पोष इस बात का सबूत है कि मेरी योजना सही काम कर रही थी अपने अमीर पिता से सीखे ज्ञान का उपयोग करके मैं बहुत कम उम्र में कार्यबल की कुख्यात चूहा दौड़ से बाहर निकलने में सक्षम हो गया इन अध्ययनों से प्राप्त ठोस वित्तीय ज्ञान से यह संभव हुआ इस वित्तीय ज्ञान के बिना यानी मेरी भाषा में वित्तीय आईक्यू के बिना वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह कहीं अधिक कठिन होती अब मैं वित्त सेमिनार के माध्यम से दूसरों को सिखाता हूँ आशा है कि मैं अपना कठिन ज्ञान उनके साथ साझा कर सकूंगा मैं अपने भाषण में सभी को याद दिला दूं कि फाइनेंशियल आईक्यूब में मुख्य रूप से चार विषयों का ज्ञान शामिल है नंबर एक लेखांकन जिसे मैं वित्तीय साक्षरता या ज्ञान कहता हूं यदि आप एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह एक आवश्यक कौशल है आपके हाथ में जितना अधिक पैसा होगा आपको उतना ही अधिक परिपूर्ण होना होगा अन्यथा असफलता निश्चित है यह मस्तिष्क का बायां भाग यानी विवरण देखने का भाग है वित्तीय साक्षरता वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता है यह क्षमता व्यवसायों को ताकत और कमजोरियों की पहचान करने की अनुमति देती है निवेश नंबर दो जिसे मैं पैसे से अधिक पैसा बनाने का विज्ञान कहता हूं इसमें रणनीतियां सूत्र आदि शामिल हैं यह मस्तिष्क का दाहिना भाग यानी रचनात्मक पक्ष है तीन बाजार के बुनियादी सिद्धांतों को समझना यह आपूर्ति और मांग का विज्ञान है आपको बाजार के तकनीकी पक्ष को जानना होगा जो आमतौर पर भावनात्मक होता है मूल बातें यानी निवेश के बारे में वित्तीय ज्ञान यानी कि मौजूदा बाजार के संदर्भ में निवेश का कोई मतलब है या नहीं बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चों के लिए निवेश करना और बाजार को समझना बहुत जटिल है जो चीज़ उनकी नज़र से बच जाती है वह यह है कि बच्चे इन चीजों को सहज रूप से जानते हैं जो लोग एलमोडोल से परिचित नहीं हैं उनके लिए यह एक सेसम स्ट्रीट चरित्र है जिसे अक्सर क्रिसमस से पहले बच्चों के लिए प्रचारित किया जाता था सभी बच्चे इसी खिलौने की मांग कर रहे थे ये गुड़िया उनकी क्रिसमस सूची में थी कई माता पिता सोच रहे थे कि क्या कंपनियां जानबूझकर इस उत्पाद को बाजार से हटा रही हैं और क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन कर रही हैं इतनी अधिक मांग और आपूर्ति न होने से अचानक घबराहट फैल गई स्टोव में कोई गुड़िया नहीं होने के कारण त्वरित लाभ विक्रेताओं की टीम को हताश माता पिता से अधिक कमाने का अवसर मिला जिन बदकिस्मत माता पिता को गुड़िया नहीं मिलेगी उन्हें क्रिसमस के लिए दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा टिलमी इलमोड गुड़िया की अविश्वसनीय लोकप्रियता मुझे निरर्थक लगती है लेकिन यह आपूर्ति और के अर्थशास्त्र का एक नया उदाहरण है स्टॉक बॉन्ड रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाज़ारों में भी यही बात चलती है कानून संख्या चार उदाहरण के लिए लेखांकन निवेश और बाजार तकनीकी कौशल एक निगम को तेजी से बढ़ने में मदद कर सकते हैं कोई व्यक्ति जो किसी निगम द्वारा दिए जाने वाले कर लाभ और सुरक्षा को जानता है वह किसी छोटे व्यवसाय के एकमात्र मालिक या कर्मचारी की तुलना में तेजी से अमीर बन सकता है यह अंतर चलने और उड़ने जैसा है यह अंतर तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब दीर्घकालिक वित्त का प्रश्न उठता है एक कर लाभ एक निगम कई ऐसे काम कर सकता है जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता उदाहरण के लिए करों का भुगतान करने से पहले व्यय क्षेत्र में पैसा रखना यह विशेषज्ञता का एक रोमांचक क्षेत्र है लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी या बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं है तो यह जरूरी नहीं है कर्मचारी कमाते हैं कर चुकाते हैं और फिर बकाया पैसे से जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं एक निगम कमाता है जितना संभव हो उतना खर्च करता है और अपने बकाया धन पर कर चुकाता है यह एक बड़ी खामी है जिसका अमीर लोग फ़ायदा उठाते हैं इन्हें बनाना आसान है और यदि आपके पास ऐसा निवेश है जिसमें पर्याप्त नकदी प्रवाह है तो इसकी लागत अधिक नहीं होगी उदाहरण के लिए यदि आपका अपना निगम है तो आप बोर्ड बैठकों में भाग लेने के लिए हवाई में अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं कार की कीमत बीमा और मरम्मत सभी कंपनी के खर्च हैं हेल्थ क्लब की सदस्यता कंपनी के खर्च हैं अधिकांश रेस्तरा भोजन की लागत का केवल एकांश ही वसूलते हैं बहुत अधिक लेकिन इसे कानूनी तौर पर और कर पूर्व डॉलर के साथ करें दो मुकदमेबाजी से सुरक्षा हम मुकदमेबाजी वाले समाज में रहते हैं हर कोई आपके काम से लाभ उठाना चाहता है अमीर लोग अपनी संपत्ति को लेनदारों से बचाने के लिए निगमों और ट्रस्टों का उपयोग करते हैं यदि कोई किसी अमीर आदमी पर मुकदमा करता है तो उसे कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और अक्सर यह पता चलता है कि अमीर आदमी के पास वास्तव में कुछ भी नहीं है वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है गरीब और मध्यम वर्ग हर चीज़ का मालिक बनना चाहता है जिससे सरकार या अमीरों पर मुकदमा चलाने के लिए उत्सुक साथी नागरिकों को सब कुछ खोना पड़ता है यह उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से सीखा अमीरों से लो और गरीबों को दे दो कॉपोरेट स्वामित्व की विशिष्टताओं पर चर्चा करना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है लेकिन मैं कहूंगा कि यदि आपके पास कोई कानूनी संपत्ति है तो आपको किसी निगम के लाभों और सुरक्षा के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए इस विषय पर कई पुस्तकें हैं यहां तक कि इसमें निगम बनाने के आवश्यक कदमों का भी वर्णन किया गया है विशेष रूप से एक पुस्तक इन कैन ग्रो रिच निजी निगमों की शक्ति का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है वित्तीय आईक्यू कौशल और गुणों का एक संयोजन है लेकिन मैं कहूंगा कि यह उपरोक्त चार आवश्यक कौशलों का संयोजन है जो बुनियादी वित्तीय ज्ञान बनाते हैं यदि आप बहुत अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो इन कौशलों के संयोजन से आपके वित्तीय ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होगी संक्षेप में अमीर लोग जो निगमों के मालिक हैं पहले कमाते हैं फिर खर्च करते हैं फिर कर चुकाते हैं जो लोग निगमों के लिए काम करते हैं वे पहले कमाते हैं फिर कर चुकाते हैं फिर खर्च करते हैं हम दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करते हैं कि आप अपना खुद का निगम रखें और अपनी संपत्तियों को उस शेल में सुरक्षित रखें यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं अगले वीडियो में हम इस अध्याय के बाकी हिस्सों को पढ़ेंगे